दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टिकटॉक के बारे में कि टिकटॉक से आप कैसे पैसे कमा सकते हो। आपने सुना होगा कि टिकटॉक पे लोग बहुत फेमस हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नौटंकी छाई हुई है। बट गाइस यस, इस नौटंकी से आप बहुत सारे पैसे बना सकते हो। कैसे, क्या करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं आपको इस ही वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि वो जो रेड कलर का बटन है उसको दबा के बेल आइकन दबा दो ताकि आपको ऐसी वीडियो मिल सके जो नौटंकी ना बताए आपको, आपको ये बताए कि आप कैसे पैसे कमा सकते हो और कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। सो लेट्स गो। सो माय नेम इज टीएन, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन मनी एज यूजुअल गाइस। दोस्तों आज की वीडियो में जैसा कि मैंने कहा कि टिकटॉक के बारे में मैं बात करने वाला हूं, तो गाइस मैं बता दूं, पिछले एक महीने से मैं टिकटॉक के ऊपर काम कर रहा हूं। इट्स मीन कि मैं टिकटॉक के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं कि टिकटॉक क्या है, कैसा है, क्यों, कैसे चलता है, बिकॉज मैंने कभी टिकटॉक पहले यूज नहीं किया था। और मैंने टिकटॉक अभी यूज करना इसलिए स्टार्ट किया जब से टिकटॉक का एड्स आ चुका है, मतलब लोग अब उस पर एड लगा सकते हैं जैसे आप फेसबुक एंड गूगल पे लगाते हो। तो जब से ये चीज मार्केट में बहुत ज्यादा आ चुकी है, लोग एड लगा रहे हैं, अच्छा खासा उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो मैं भी इस पे रिसर्च कर रहा था कि हम इस पे ऑर्गेनिक काम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि अब धीरे धीरे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब ऑल्सो की अब इनकी जो ऑर्गेनिक रीच है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। बट ऐसे दो प्लेटफॉर्म है जहां ऑर्गेनिक रीच बहुत अच्छी है इस समय। पहला जो प्लेटफॉर्म है वो है लिंक्डइन और दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है टिकटॉक। ये मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि टिकटॉक का ऑर्गेनिक रीच कितना अच्छा है और आप कैसे टिकटॉक में जाके बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हो YouTube प्लस TikTok को ऐड करके। वो कैसे मैं बताता हूँ अभी आपको, बहुत ज्यादा इजी है गाइज, बिलीव मी। अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप TikTok से कितना ज्यादा पैसा जनरेट कर सकते हो, वो भी फ्री ट्रायल के साथ। तो चलता हूँ सीधा TikTok पे। सो गाइज, इसको बोलते हैं टिकटॉक जो आपके सामने नजर आ रहा है, यू कैन सी। अगर आपकी आईडी नहीं है तो मेक श्योर कि आप आईडी बना लो। मुझे पता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये हम सब लोगों के लिए नहीं है, ये यूथ्स के लिए है जो चाहते हैं फेमस होना, तो वो ये इस तरह की वीडियोस बनाते हैं। आई नो कि ये अगर आपका एज जो है वो 25 या उससे ज़्यादा है तो ये आपके लिए सुटेबल नहीं है। बट गाइज, ये एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है नाउ और हर मार्केटर अब इसको यूज़ कर रहा है बिकॉज यहाँ ऑर्गेनिक रीच बहुत अच्छी है और बड़े से बड़े मार्केटर अब आ रहे हैं टिकटॉक में। क्योंकि जैसे कि फेसबुक था, फिर फेसबुक का कम से कम आधा से ज़्यादा ट्राफिक इंस्टाग्राम ले लिया, वैसे ही अब धीरे धीरे टिकटॉक भी ऐसा ही करता नज़र आ रहा है। इसीलिए जो मार्केटर्स हैं वो बहुत तेज़ी से अब धीरे धीरे टिकटॉक के तरफ आ रहे हैं और उसकी मार्केटिंग तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो मैंने जैसा कि यहाँ कहा कि सबसे पहले ऑर्गेनिक रीच मैं आपको दिखा दूँ, तो मैंने भी अभी नया इस पर अपना बना लिया है चैनल। सो आप क्या कर सकते हो, आप मुझे भी कनेक्ट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो यहाँ आके। यहाँ मैं और भी आपको शेयर करते रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें चल रही हैं। तो गाइस देखो, मैंने 3 वीडियो डाली है जिसमें पहला जो वीडियो है पूरा ऑर्गेनिक, आप देख सकते हो मैंने अभी अभी कुछ दिन पहले ही इसको बनाया है और मेरे कोई भी फॉलोअर नहीं है, मैंने कोई भी फॉलोइंग नहीं है और 15 लाइक है ओनली। और मैंने जो 3 वीडियो बनाई है आपको उसको ऑर्गेनिक रीच दिखाना चाहता हूँ मैं, कि 125 आप यहाँ देख सकते हो, 125 जो है जो व्यू है वो जा चुका है। दूसरी वीडियो में 67 और जो तीसरी वीडियो मैंने कल ही डाली है उसमें 30 व्यू जा चुका है। ठीक है, ये जो पूरी तीनों वीडियो हैं वे जो वीडियोस हैं वो पूरे एजुकेशन से रिलेटेड हैं। ओके, सो आपको भी एजुकेशन ही वीडियो बनानी है, कैसे बनानी है मैं बताऊंगा आपको, खुद की वीडियो शूट नहीं करनी है, मैं पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं वो दिखा दूं। सबसे पहले मैंने ऑर्गेनिक रीच आपको दिखा दिया, जो दूसरी चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूं। सो गाइस, जो दूसरी चीज़ है वो ये चीज़ है, आप देख रहे हो जब मैंने स्क्रॉल किया तो ये जो चीज़ आई जिसको बोलते हैं 90% ऑफ बिग सेल। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो है ये कोई वीडियो नहीं है बट ये एक ऐड है जहाँ पर लिखा हुआ है क्लब फैक्ट्री ऑनलाइन शॉपिंग ऐप 90% ऑफ स्पॉन्सर्ड, आप देख सकते हो। और जैसे ही मैं ये शॉप नाउ के बटन पर क्लिक करूँगा तो मैं दूसरे वेबसाइट पर चले जाऊँगा जहाँ पर ये जूता मुझे मिलेगा और वहाँ से मैं ये जूता खरीद सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं ऐड, टिकटॉक एड्स अब आप लगा सकते हो। बट मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप टिकटॉक ऐड लगाओ बिकॉज मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के पास ऐड पे स्पेंड करने के पैसे नहीं हैं। बट मैं आपको यहाँ ये सिखाऊंगा कि आप ये कैसे ऑर्गेनिक कर सकते हो, ओके, और जिसमें आपको खुद का ऐड भी नहीं बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। वो कैसे मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। तो ये आपको ऑर्गेनिक चीज़ दिखा दी, दूसरा मैंने दिखा दिया कि ऐड कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और आप देख सकते हो ये रीच 5800 की रीच है, शेयर आप देख सकते हो 73 लोगों ने शेयर किया है। तो यहाँ पर कमेंट, शेयर और लाइक तीनों बहुत ज्यादा इजी मिलते हैं, प्लस ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत ही अच्छा, बहुत ही तगड़ा है।
ऐसी आप स्क्रॉल करके देख सकते हो, हर वीडियो में जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपको करना क्या है। मैंने ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको दिखा दिया, मैंने रीच दिखा दी और मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे ऐड बनाना है इसमें। ओके, सो अब मैं आगे बताऊंगा कि आपको करना क्या है। सो लेट्स गो ऑन माई कंप्यूटर। सो गाइज, वो सारी चीजें समझाने के बाद, ऑर्गेनिक रीच और कैसे ऐड दिखता है, ये सब आपको समझाने के बाद, अब मुझे आपको बताना है कि आपको करना क्या है, टिकटॉक पे पैसे कैसे कमाएं, इसका पूरा आंसर मैं अब आपको दूंगा। ओके, सो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि टिकटॉक पे आप अकाउंट बना लो। अगर आप टिकटॉक पे नहीं हो तो मेक श्योर कि आप वहां पर अकाउंट बना लो, क्योंकि अब टिकटॉक का प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और बहुत सारे मार्केटर्स अब टिकटॉक पे आ रहे हैं। तो गाइज, सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, और जो सबसे बड़ी चीज कि आपका इंटरेस्ट किस फिजिकल प्रोडक्ट में है। गाइस देखो, आप टिकटॉक पे जेवीजू या मैं कहूँ कि सॉफ्टवेयर्स को आप सेल नहीं कर सकते, बिकॉज टिकटॉक पे जो जनता है वो क्या है, वो यूथ है, और यूथ को ये सॉफ्टवेयर एंड और ज्यादा समझ नहीं आएगा। तो आपका जो बड़ा मार्केट है वहां पर है फिजिकल प्रोडक्ट लाइक गैजेट्स, मोबाइल, स्पीकर्स एंड देन आपके जूते एंड टी शर्ट लाइक दैट, मतलब पूरे फिजिकल प्रोडक्ट। आपको वहां पर कभी भी आपको डिजिटल प्रोडक्ट को वहां पर पोस्ट नहीं करना है सेलिंग के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अमेजोन पे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, बिकॉज जो रीच होगी ये आपके लोकली होगी, मतलब अगर आप इंडिया से हो तो आप पूरे इंडिया में ही घूमेगा आपका चैनल। ओके, सो जो रीच रहती है वो इंडिया के अंदर ही रहेगी। तो आपको जो अकाउंट बनाना पड़ेगा वो बनाना पड़ेगा Amazon में, ठीक है। अगर आप रीसेलिंग कोई ऐप वेप है आपके पास या रीसेलिंग कर सकते हो तो आप उसमें भी उसका भी यूज कर सकते हो। ओके, एंड उसको भी सेल कर सकते हो, या तो Amazon या तो रीसेलिंग, दो ऑप्शन है आपके पास पहले तो, क्योंकि फिजिकल ही प्रोडक्ट यहाँ पर सेल होंगे, याद रखना। नेक्स्ट आपको ये करना है कि आपको जाना है YouTube में। YouTube में आपको पता है लोग रिव्यू पे रिव्यू, रिव्यू पे रिव्यू, हर दिन लाखों रिव्यूज आते हैं मोबाइल पे, स्मार्टफोन या आपका हो गया स्पीकर, वट एवर, मतलब डेली रिव्यूज आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको खुद की वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपको यहाँ से एक वीडियो डाउनलोड करनी है। और इस डाउनलोड करने के लिए मैंने पहले भी बता रखा है कि आप save.net का यूज कर सकते हो। मैंने पहले दो वीडियो पहले मैंने बताया था पूरा प्रोसेस, तो आप वो वीडियो जाके देख लो, वहां पर आपको समझ में आएगा कि आपको YouTube की वीडियो कैसे डाउनलोड करनी है। ओके, डाउनलोड करने के बाद आपको यूज करना है फिल्मोरा। नेक्स्ट स्टेप है आपका फिल्मोरा, और फिल्मोरा में आपको वर्टिकल वीडियो बनानी है। वर्टिकल मतलब इस साइज की वीडियो, ठीक है, मतलब यही जो वीडियोस हैं इसमें से कोई अच्छा बेस्ट वीडियो उठाना है, जो अपकमिंग फोन्स हैं या अपकमिंग स्पीकर है या जूता है, मोजा है, हर चीज का रिव्यू यहां पर आपको मिल जाएगा YouTube पे, उसको उठाना है आपको और उसको वर्टिकल में कन्वर्ट करना है फिल्मोरा के द्वारा। फिल्मोरा क्या है, फिल्मोरा है एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, जहां पर आप वीडियोस को एडिट कर सकते हो। तो आपको बनाना है इस साइज का वीडियो। अब गूगल में आप जैसे ही करोगे किस साइज का वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा टिकटॉक में इस साइज का वीडियो यूज होता है, बेसिकली आपका पूरा फोन कवर होगा, ठीक है। तो ये साइज का वीडियो आपको री एडिट करना है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, आपको इन्हीं के वीडियोस उठा के री एडिट करना है। अब जो बड़ी चीज है गाइज, वो ये है कि यहाँ पर आप कितने भी मिनट का वीडियो डाल सकते हो, बट जो टिकटॉक है उस पे आप कितने मिनट का भी वीडियो नहीं डाल सकते, मैक्सिमम 60 सेकंड का वीडियो डाल सकते हो और 50 सेकंड का। तो गाइज आपने देखा होगा हर मूवी का ट्रेलर लॉन्च होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें वो लोग वो हाईलाइट दिखाते हैं कि लोग उसमें देखें जाके उसको, जब वो लॉन्च हो देखें। लाइक जब अगर आप कपिल शर्मा शो देख रहे हो, ठीक है, तो आपको वो रिकैप में दिखाएगा कि हाँ भाई कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाला एपिसोड में, तो आप क्या करते हो नेक्स्ट टाइम आप जाके उस चीज़ को देखते हो, सोचो अपने माइंड में, ओके, देन आप उसको वेट करते हो कि कब ये एडवर्टाइज से बैक आएगा तो मैं उस चीज को देखूं। तो ऐसे ही करके आपको बेस्ट क्लिप्स यहां से फाइंड करने पड़ेंगे एक वीडियो से, कि जो क्लिप लोगों के दिमाग में इनसिक्योरिटी पैदा करती है और लोगों को उत्सुक बनाती है कि वो आपकी वीडियो को, आपके जो पोस्ट है, जो वेबसाइट है, उसको जाके देखें। तो अब आपको करना पड़ेगा कि इसमें से कुछ 50 सेकेंड के क्लिप्स निकाल के फिल्मोरा में एडिट करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप जब एडिट करोगे तो वहां आपको एक डोमेन परचेस करना पड़ेगा। गाइस डोमेन परचेस करोगे तो बहुत अच्छा है, वरना आप blogger.com का यूज कर सकते हो। अगर आप डोमेन परचेस करोगे तो ये फायदा रहेगा कि आप www. और आपका जो नाम है वो लगा के यहाँ पर .com कर दो, ठीक है।
और वो नीचे में यहाँ पर जब आप पोस्ट क्रिएट करोगे वहां रहना चाहिए कि बंदा उसको देखे और फिर वो गूगल में जाके टाइप करे और आपके वेबसाइट पे जाए, बिकॉज वो जो सामान है वो आपके वेबसाइट पे बिकेगा। कहाँ बिकेगा? आपके वेबसाइट पे। तो आपको ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां से गाइस जब आप 50 सेकेंड या 30 सेकेंड का क्लिप निकाल लोगे, आप पूरा एड फॉर्मेट बनाओगे, नीचे एक लाइन लगाओगे अपने एड फॉर्मेट में जिसमें अपना वेबसाइट का नाम लिखोगे। अब आप मान लो जूते की एड चला रहे हो, फोन की एड चला रहे हो या स्पीकर की एड चला रहे हो, तो आप यहाँ पर एक एरो और अपना ये लगाओगे वेबसाइट। अब क्या होगा कि अगर आपको ये चीज चाहिए तो क्लिक ऑन दिस वेबसाइट और गूगल दिस, क्लिक तो नहीं हो सकता, गूगल बोलोगे आप, गूगल ऑन दिस वेबसाइट। तो जैसे ही बंदा जाएगा गूगल में टाइप करेगा www. राहुल, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, rahuljain.com, तो उस पर जाएगा, देन वो देखेगा हाँ भाई ऑफर अच्छा है, देन वो खरीदेगा। तो ये पूरा मॉडल है टिकटॉक से पैसे अर्न करने का। इसमें आपको कुछ चीजें यूज करनी है, मैं बार बार बता देता हूँ। सबसे पहले अमेजोन या तो कोई रीसेलिंग ऐप होना चाहिए आपके पास, देन आपके पास फिल्मोरा होना चाहिए, देन आपके पास यूट्यूब की कोई अच्छी वीडियो होनी चाहिए, उसमें से सही क्लिप आपको फाइंड करना है, उसको फिल्मोरा में जाके एडिट करना है। फिर आपके पास एक ब्लॉगर होना चाहिए या आपके पास खुद का एक डोमेन परचेस करके एक वेबसाइट बना लो और वहां नीचे अपने एड में अपने वेबसाइट की नाम लिख दो। जब उस पे लोग गूगल करेंगे तो वो आपके वेबसाइट पे पहुंचेंगे, अगर आपका ऑफर उनको अच्छा लगेगा पहुंचेंगे, क्लिक करेंगे, देखेंगे और वो आपसे परचेस करेंगे और आपको पैसे मिल जाएंगे। और इसमें दो चीज आप यूज कर सकते हो, अगर आप मोबाइल में हो तो आप फिल्मोरा वहां नहीं यूज करके आप इनशॉट का यूज कर सकते हो, इस चीज का इनशॉट या क्विक वीडियो का यूज कर सकते हो। ये इनशॉट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा मोबाइल में वीडियो एडिट करने में, तो इनशॉट का भी आप यूज कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा मॉडल है गाइज अगर आपको टिकटॉक पे अर्निंग करनी है, बिकॉज टिकटॉक इस समय बहुत ज्यादा बूम पे है। इस समय क्या बहुत पहले से, बट अब मार्केटर टिकटॉक्स पे आ गए हैं, तो अब लोग अच्छे अच्छे तरीके निकालेंगे टिकटॉक से अर्निंग करने का। तो गाइस ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है पहले जाके अपना मार्केट बनाने का। आपको अपनी वीडियोस नहीं डालनी है, दूसरे की वीडियोस रिपोस्ट रिपोस्ट करनी है खुद उसको क्रिएट करके। थोड़ा सा मेहनत ज्यादा है, बट बिलीव मी यहाँ से पैसे भी बहुत ज्यादा आएंगे, बिकॉज ऑर्गेनिक रीच है, यूथ ऑडियंस है और यूथ्स को चाहिए नई नई चीजें थोड़ी थोड़ी समय पे। जैसे कि आपको पता है कि थोड़ा सा आपको साइकोलॉजी के दम पे खेलना पड़ेगा, बिकॉज ये पूरी मार्केटिंग है और मार्केटिंग सबकॉन्शियस माइंड एंड साइकोलॉजी के दम पे ही चलती है। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा और ऐसे ऐसे काम करना पड़ेगा। अगर आप भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, अगर आपका कुछ पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, और मेक श्योर मुझे टिकटॉक पे कनेक्ट जरूर करो, बिकॉज और भी चीजें मैं आपको आगे वहां पर बताने वाला हूँ। तो टिकटॉक पे भी कनेक्ट करो, ये मेरा यूजर आईडी है, यूजर नेम है, आप जिस वहां सर्च करो मैं आपको वहां पर मिल जाऊंगा। तो गाइज इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताना, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, नो वरी, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।